और देखिए क्लिक हुआ ना, आई फोटो पे क्लिक हुआ और आया। अब एक और आपको फोटो दिखा देते हैं, अब देखिए अब हम आ रहे हैं उसमें। देखिए फोटो क्लिक हुआ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं फिर से आया हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो ये वीडियो है एक अनबॉक्सिंग वीडियो। आज जैसा कि आपको पता ही है, YouTube में आजकल लोग कितना सारा वीडियो छोड़ रहे हैं जिससे कि अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी YouTube में वीडियो बनाऊं, और जो कि मैं बना भी रहा हूं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं YouTube का वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे पास एक अच्छा फोन तो है ही, तो फिर एक और चीज चाहिए जिसको मैंने ऑर्डर कर दिया Amazon से, और जो कि वो आ भी गया। तो ये एक ट्राइपॉड है जिसको मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये यूजफुल है भी कि नहीं, और आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। तो पहले चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये आपका कंपनी डिजिटेक है, लाइट वेट मतलब बहुत ही हल्का है। तो और इसमें आपका ब्लूटूथ रिमोट भी है जिससे आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं, कैमरा सेट करके फिर दूर जाके फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आपका फीचर्स में भी आपका ये है ब्लूटूथ रिमोट टू क्लिक फोटोज, और आपका ये मोबाइल पैनल, स्टैटिक प्लास्टिक हेड विथ एडजस्टेबल पैन और मल्टीपर्पज हेड, तो ये सारे फीचर्स है। तो और ये रेशन वगैरह आप देख सकते हैं जो कि लाइट वेट, वेट आप इसका देख सकते हैं 0.149 kg, तो लाइट वेट ही है। तो चलिए पहले आप इसको ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं ये कैसा है। तो इसको ओपन कर रहे हैं यहाँ से, बस हल्का खाली खोलने से, और देखते हैं कैसा है। तो ये आपका, ये देखिए इसमें लाइट भी जल रहा है, आपको देख पा रहे होंगे लाइट जल रहा है ब्लू कलर का। तो ये आपका वही ब्लूटूथ रिमोट है, और ये आपका पैनल है, नहीं ये सॉरी ये फोन होल्डर, मोबाइल होल्डर है। पहले इसको इसके अंदर से निकाल लें, इसके बाद देखते हैं। तो ये हो गया, और इसके साथ ये, तो जैसा कि ये अनबॉक्सिंग करने के बाद ये तीन चीज निकला, एक मोबाइल होल्डर, तो ये आपका मोबाइल होल्डर पैनल, और ये मेरा ट्राइपॉड, और ये फोटो क्लिक करने का ब्लूटूथ रिमोट। तो मेरे पास तो एंड्रॉयड है नहीं, iOS है, तो इसमें भी आप देख सकते होंगे iOS का भी दिया हुआ फीचर्स वगैरह। अगर आपके पास iOS है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप iOS से भी क्लिक कर सकते हैं, इस iOS भी इसमें सपोर्ट करता है। तो गाइस अभी मैंने इसको सब कुछ सेट कर लिया है, आप जैसे देख पा रहे होंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफेक्ट है, जैसे कि आप अगर उसको समझ में आ रहा तो आप समझ जाए। देखिए आप देखिए ये मतलब स्टेबल नहीं है, ये अपने ये पूरा समझ लीजिए फ्री एक तरीके से, आप ये मतलब समझ लीजिए एक तरीके से ये आपका फ्री है। और आप कभी भी मान लो ब्लॉग भी बनाए या फिर कोई भी वीडियो वगैरह बनाएंगे तो वो कभी मतलब वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, फोन हमेशा इधर उधर कहीं ना कहीं लुढ़कते रहेगा, तो आपका वीडियो भी सही नहीं बनेगा और आपको प्रॉब्लम भी होगा। वीडियो इतना खराब लग रहा है कि यार पहला फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग कुछ की है, और फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग में मतलब ये निकला, बट कोई बात नहीं। अमेजोन से कोई बहुत सारा रिव्यू पढ़ने के बाद ही इसको हम परचेस किए थे, बट ये ऐसा निकल गया, तो मे भी हो सकता है एक डिफेक्टिव पीस होगा। बट एक चीज हमको अच्छा लगा इसका, ये ब्लूटूथ रिमोट ये बहुत सही है, ये काम कर रहा है, और आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है कि नहीं। बस ये देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू है इसमें, ये पूरा फ्री है, बट इसका जो रिमोट है वो बहुत सही है। मैं आपको उसको सेट करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर में फैन आ रहा है, तो ये आप देख पा रहे हैं एंड्रॉयड, तो बस एक एंड्रॉयड में क्लिक करना है, और देखिए क्लिक हुआ ना, आई फोटो पे क्लिक हुआ, और आपको दिखा भी देते हैं फोटो आया है कि नहीं। देखिए फोटो आया, अब एक और आपको फोटो दिखा देते हैं जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन। अब देखिए अब हम आ रहे हैं उसमें, देखिए फोटो क्लिक हुआ, अब देखिए यह है फोटो। और ऐसा नहीं है कि डबल क्लिक करना पड़े, ये सिंगल क्लिक करने पे भी मतलब एकदम स्मूथ काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिमोट में। प्रॉब्लम है तो सिर्फ ट्राईपॉड में, जो कि ये स्टेबल नहीं है, तो इसके लिए चेंज कराएंगे नहीं तो रिटर्न करा लेंगे, बट कोई नहीं। तो मैंने इसका रिव्यू तो आपको पूरा दे दिया, इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया, और यूज़ भी कैसे करना है वो भी दिखा दिया। इवन इसका सबसे बेस्ट मुझे पार्ट ये लगा कि उसका रिव्यू जो है वो बहुत ही सही है। तो अब आती है इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
तो जो डिफेक्ट मैंने आपको दिखाया, अगर आप उस डिफेक्ट को मैनेज कर सकते हैं ठीक है, तो आपके लिए सही है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि 485 में अगर आपको ये प्रोडक्ट मिला तो बहुत सही है। और अगर उसको मैनेज नहीं कर तो अमेजोन में रिप्लेस और रिटर्न का तो ऑप्शन है ही, तो आपका पैसा कहीं वैसा नहीं है कि आपका पैसा डूब गया। आपको अगर पैसा से वापस चाहिए तो आप रिटर्न भी करा सकते हैं, और नहीं तो आप इसको एक्सचेंज करा सकते हैं, जो सही प्रोडक्ट है उसको भी ले सकते हैं। तो ये रहा बात इसका। और एक चीज़ मुझे बताना है, अगर आप इसको विदाउट रिमोट, जो ब्लूटूथ रिमोट है उसके बिना भी अगर लेना चाहते हैं, आपको ट्राइपॉड चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है, वो भी 299 समथिंग में आपको मिल जाएगा, आपको अमेजोन में ही दिख जाएगा। और विथ रिमोट अगर आपको ले रहे हो तो 4x445 समथिंग ऐसा कुछ लगेगा ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ मेरा ये अनबॉक्सिंग कंप्लीट होता है, और मैंने आपको सारा रिव्यू वगैरह सब दे दिया, सारे फीचर वगैरह बता दिए, तो मेरा काम कर रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।